नमस्कार, स्वागत है आपका ANN24 पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। जो अनुसूचित जाति का लाता था वो अभी फुले शाह अम्बेडकर का लाता है, निवासी गुरुकुल का लाता है, परंतु अनुदान के बारे में कुछ भी नहीं। सर पुर्जा बोल का है तुम सर? सर कुछ भी नहीं, मेरे तरफ से तो आंदोलन की बातें नहीं कर सकता हूँ, मंत्रालय के सामने ऑलरेडी आंदोलन चालू है। मुझे आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने के लिए विवश इसलिए हो गया हूँ कि पिछले 2019 के 26 जनवरी को चार लोगों ने मंत्रालय के सामने ठीक जिससे मैं ध्वजारोहण हो रहा था उस समय अपने शरीर पे मिट्टी तेल डाल करके माचिस लगा लिया था, परंतु पुलिस व्यवस्था की अच्छी व्यवस्था होने की वजह से उसे कपड़े तुरंत जगह पे उसको फाड़ दिया गया, इसलिए वो बच गया, अगर नहीं तो वो चार आज मर गए होते। सर एक अच्छे काम करने के लिए, एक स्कूल चलाने के लिए अगर लोगों को आत्मदान करना पड़े जिससे साथ ज्यादा सर देनी स्थिति देश की क्या हो सकती है। सर सरकार, आपको ऐसा लगता है कि सरकार अनुसूचित जाति के लोगों के जो बच्चे हैं उनके लिए उदासीन है? सर ये स्पेशली मैं जाति के शेड्यूल कास्ट के बच्चे पढ़े। सर मैं स्पेशली इसलिए कह रहा हूँ कि सर एनटी को आप देते हैं जबकि 9% उसकी है, मैंने इसके पहले कह चुका हूँ 9% उसकी जनसंख्या फिर भी आप 2000 स्कूल देते हैं, मुझे एनटी से सर गले सिकवे नहीं है। एसटी की अगर मान लीजिए 10% उसको आप 1600 स्कूल को अनुदान देते हैं, जनरल जो स्कूलें हैं सर उसमें आप नहीं कुछ तो 10-15-20 हजार स्कूलों को आप अनुदान देते हैं। सर शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या मात्र 30% है, स्कूलों की संख्या सिर्फ 168 है, उसको आप अनुदान नहीं देते हैं तो सर मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं, आप खुद समझ सकते हैं कि सरकार क्या करना चाहती है। इलेक्शन है, अभी इलेक्शन के सामने आपका अगला कदम क्या होने वाला है? आपने कहा है कि फरवरी 8 तक इसका निर्णय लग जाए। सर हम शासन के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, हमें सिर्फ इतना पता है कि सर 30% शेड्यूल कास्ट है, उसके बावजूद भी 168 स्कूल है जो कि पिछले 19 साल से चला रहा है, और फिर भी अगर उसे 5% भी, 5 रुपए तो छोड़ो 1 रुपए भी किसी के तरफ से शासन या प्रशासन के तरफ से मुझे हेल्प नहीं है तो आप सर खुद समझ सकते हैं। सर मेरा नाम नरेश कुमार मंडल है, दीप छाया अनुसूचित जाति आश्रम शाला चिखली, तहसील कामटी, पिछले 19 साल से चला रहा हूँ।